नमस्ते सभी को, मैं हूं मृणालिनी और आप सभी का मैं हमारे हिंदी YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज के कुकिंग व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये रेसिपी ट्राई भी ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग व्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो आज की रेसिपी है मसालेदार सुरमई फिश फ्राई। सुरमई फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 सुरमई के पीसेस लिए हैं। ये मीडियम साइज़ की सुरमई थी और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब सबसे पहले मैं इसे मसालों से मैरिनेट करूँगी। तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मसाले में मैं कौन कौन सी चीज़ें लेने वाली हूँ। ये है 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यह है आधा चम्मच हल्दी, इसके बाद मैं डालूंगी मेरा फेवरेट हींग। हींग डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ज़रूर यूज़ कीजिए। यह है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, यह है नमक स्वादानुसार, यह है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसी के साथ मैंने यूज़ किए हैं बारीक कटे हुए करी पत्ते। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस, मैंने आधा नींबू लिया है और उसका रस मैं इसमें डालूंगी। आप इसकी जगह पर इमली का पानी भी यूज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसका एक पेस्ट बना लूंगी। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मसाला बहुत चटपटा बनता है और फिश के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेसन और उसी के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे हमारा फिश फ्राई क्रिस्पी भी होगा और टेस्टी भी होगा, इसमें अच्छा सा बाइंडिंग आ जाएगा सारे मसालों में। तो देखिए अब मैं बेसन और कॉर्नफ्लोर को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लूँगी और अब मैं मछली के टुकड़ों पर ये हमारा मसाला है वो ऐसे लगा लूँगी दोनों तरफ से। जब भी हम मछली फ्राई करते हैं तब इसे मसालों के साथ कम से कम 1 घंटे तक मैरिनेट होने दीजिए, तभी मछली में इसके सारे फ्लेवर अंदर तक उतरते हैं और मछली बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला लगभग लगा लिया है मछली के टुकड़ों पर, दूसरे साइड से भी मैं लगा लूँगी। अब हो चुका है सारा मसाला लगाकर, अब इन्हें मैं 1 घंटे के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी और बाद में मैं इसे फ्राई करूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हो। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, मैंने गैस पर एक फ्राइंग पैन रखी है, उसमें मैं 4 से 5 चम्मच तेल डालने वाली हूँ। आप मछली को डीप फ्राई भी कर सकते हो लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी। अब देखिए मैं सारे मछली के पीसेस को तेल में डाल दूंगी, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है इस टाइम। मछली को फ्राई होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, 2 मिनट एक साइड से हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद पलटकर 2 मिनट दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। मैंने सारे मछली के पीसेस डाल दिए हैं फ्राइंग पैन में अच्छे से, बाकी बचा हुआ जो प्लेट में लगा हुआ मसाला है वो मैं ऊपर से लगा लूँगी इसे, ताकि वो वेस्ट ना हो। अब मैं इसे 2 मिनट फ्राई होने देती हूँ और बाद में मैं इसे पलट लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। किसी भी फिश को फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम लो कभी ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से फिश बहुत ऑयली हो जाती है, ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेती है, इसलिए गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई रखनी है। इसकी वजह से हमारी फिश बहुत क्रिस्पी भी बनती है। तो फिर देखिए मैंने इसे पलट लिया है, अब फिर से 2 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे फिर से पलट लूँगी, फिर से 2 मिनट फ्राई करूँगी। इसी तरह से हमें 3 से 4 बार इसे अलट पलट कर फ्राई करना है। फिश फ्राई करना बहुत आसान होता है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, बस इसके मसाले चटपटे होने चाहिए। ये फिश फ्राई की रेसिपी
आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ये फ़िश फ्राई। आपको अगर सुरमई फ़िश ना मिले तो आप इसकी जगह पर कोई भी दूसरी मछली फ्राई के लिए ले सकते हो, बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए मैंने चौथी बार इसे पलट लिया है और हमारी फ़िश फ्राई रेडी है। बस अब आखिरी समय में मैं इसे एक मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करने वाली हूँ ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। अब देखिए ये अच्छे से एक तरफ से क्रिस्पी बन चुके हैं, दूसरी तरफ से भी मैं इसे एक मिनट हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। देखिए हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई रेडी है, ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये छोटा सा कुकिंग ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये फ़िश फ्राई अगर आप ट्राई करते हो तो कैसी बनी ये भी मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ये देखिए हमारी सुरमई फ़िश फ्राई रेडी है, बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।